बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं परवीन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूँ परवीन। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आपके सामने लेके आया था हरियाणा के प्रमुख मंदिरों से रिलेटेड वीडियो। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आइकन निशान है वहां पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे कहाँ कहाँ पर किस किस जिले में स्थित है, तो उनके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है अम्बाला। अम्बाला के अंदर गुरुद्वारा लखनौर साहिब स्थित है, ठीक है। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता का जन्म स्थान होने के कारण इस गांव को गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल होने का गौरव भी प्राप्त है। लखनौर साहिब का प्राचीन नाम लखनावती, लखनपुर और लखनौती इत्यादि के रूप में दर्ज है, ठीक है। तो ये लखनौर साहिब गुरुद्वारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊंगा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अम्बाला के अंदर एक सूरज कुंड गुरुद्वारा भी है जो अम्बाला सिटी में स्थित है, ठीक है। तो चलिए मैं गुरुद्वारा लखनौर साहिब की आपको फोटो बड़ी करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। देखिए, पहली फोटो में ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी दूर से फोटो ली गई है। यहाँ सामने आप एक छोटे सा यहाँ पर देखिए सुरंग टाइप में कुछ देख सकते हैं और इसके सामने यहाँ पर ये एक खाली मैदान है। और दूसरी फोटो ये पास से ली गई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का ऊपर गुंबद है और सफेद कलर का ये गुरुद्वारा है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है गुरुद्वारा लखनौर साहिब। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर स्थित है गुरुद्वारा कपाल मोचन। यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित गुरुद्वारा कपाल मोचन सरोवर के पूर्व में गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है। 1687 ईस्वी में गुरु जी ने 52 दिन का यहाँ पर पड़ाव डाला था तथा युद्ध के दौरान अपने शस्त्रों को यहाँ पर धोया भी था। इसके अलावा यहाँ पर एक बुद्धू शाह के नाम से भी गुरुद्वारा प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुरुद्वारा इस प्रकार से दिखाई देता है। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, गुरुद्वारा कपाल मोचन। और काफी अच्छा ये गुरुद्वारा है, आप भी कभी जाएं यहाँ पर तो इसे जरूर देख कर आए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर स्थित है गुरुद्वारा चोरमार संहिता, ठीक है। सिरसा जिले के गांव चोरमार में स्थित गुरुद्वारा चोरमार संहिता भी हरियाणा में आए उन साधुओं की या तो दिलाता ही है जो अपनी राह से भटके लोगों को समझाने के लिए हरियाणा आए थे। साथ ही यह गांव उन लोगों के लिए भी जाना जाता है जो राहगीरों से धन आदि लूटने वालों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में सिरसा डबवाली रोड पर स्थित इस गुरुद्वारे को चोरमार संहिता नाम से दूर दूर तक जाना जाता है। तो ये आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सिरसा के अंदर एक गुरुद्वारा चिल्ला साहिब भी स्थित है। तो फिलहाल मैं आपको गुरुद्वारा चोरमार संहिता की फोटो है ये बड़ी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गुरुद्वारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, आप सामने देख सकते हैं। इसके ऊपर ये कुछ ऐसे फैंसी टाइप में जाली सी लगाई हुई है लोकी, और सामने ये इसका गेट है, यहाँ पर लोग मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं। तो ये है गुरुद्वारा चोरमार संहिता, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है रोहतक के अंदर गुरुद्वारा लाखन माजरा। ग्राम लाखन माजरा रोहतक से 20 किलोमीटर दूर रोहतक जींद रोड पर बसा हुआ है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंजी साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। कहावत के अनुसार तेग बहादुर जब दिल्ली शहीदी देने जा रहे थे तब वह यहाँ पर एक रात के लिए रुके थे, ठीक है। तो ये गुरुद्वारा लाखन माजरा है, ये इस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए ये फोटो है, ठीक है। इसके अलावा रोहतक के अंदर गुरुद्वारा बांग्ला साहिब भी है। तो फिलहाल मैं आपको गुरुद्वारा लाखन माजरा की फोटो बड़ी करके दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर पानी है इसके चारों तरफ और इसके साइड में यहाँ जमीन है, उस तरफ से ही दरवाजा है इसका, तो वहां से ही निकलने का रास्ता है पीछे की तरफ से। ये पानी की तरफ से फोटो ली गई है। तो काफी लंबा चौड़ा ये गुरुद्वारा बनाया हुआ है, तो काफी अच्छा गुरुद्वारा है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद देखिए कुछ और भी गुरुद्वारे हैं जो हरियाणा के अंदर हैं। ये थोड़े इतने ज्यादा फेमस नहीं है, जो फेमस है वो मैंने आपको बता दिए, फिर भी इनके बारे में आपको बता देता हूँ, क्या पता इनके बारे में भी पेपरों में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, चीन के अंदर स्थित है धमतान साहिब गुरुद्वारा। इसके अलावा पंचकुला के अंदर है नाड़ा साहिब गुरुद्वारा और महेंद्रगढ़ के अंदर है गुरुद्वारा गुरु दशमेश जो कि नारनौल में स्थित है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में 3 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही और राजघाट गुरुद्वारा, ठीक है। और कैथल में भी 3 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब और गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी साहिब। तो ये कैथल वाले जो गुरुद्वारा हैं नीम साहिब मंजी साहिब, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद करके रखिए क्योंकि पिछली बार SSC के काफी एग्जामों में ये दोनों गुरुद्वारा पूछे गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए।
तो ये थे दोस्तों हरियाणा के अंदर स्थित कुछ प्रमुख गुरुद्वारे। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा हरियाणा की मस्जिद, मकबरे और दरगाहों के बारे में। अगर आप मेरी वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारी वीडियो से रिलेटेड सभी जीके की इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।